चलिएगा देखिएगा, आज यहाँ पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 9th की जो क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके सो देखते हैं यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो देखिएगा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर देखने को मिलते हैं, जैसे कि चौक एंड टेबल्स, चेयर, बहुत सारे एक्सेट्रा। तो ये इनके बारे में जो मैटर के जो हमारे सराउंडिंग में मिलते हैं तो हम इसको देखते हैं। तो कैसे पहचाने कि मैटर की क्या डेफिनेशन होती है, कि यहाँ ये मैटर ही होगा, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मैटर। तो मैटर की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। सो देखिएगा मैटर, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग हैव इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। सो देखिएगा मैटर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, कि मैटर इज डिफाइंड एज द एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। देखिएगा मैटर वही होगा जिसके पास स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है एंड जिसका मास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिएगा ये चौक है, तो देखिएगा चौक अगर ये रख दी मैंने तो इसका कुछ ना कुछ मास भी है और इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, मतलब स्पेस कवर्ड किया, इतनी जगह घेरी हुई है, तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है एंड कुछ मास भी है, तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैटर। सो बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो देखिएगा सो एग्जाम्पल में जैसे कि है वाटर हो गया, वाटर देखिएगा जो वाटर होता है तो वाटर भी हमारा क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेर लेता है जगह, और कुछ ना कुछ उसका मास भी होता है, राइट। सो वाटर हो गया और आयरन हो गया, लोहा आयरन हो गया, चौक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, एयर भी होती है हमारी, एयर है जो एयर का मास होता, देखते हैं ना जैसे सिलेंडर आता है, जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं उसमें हमारे 14 kg 14.2 kg उसमें जो गैस होती है, तो वो भी हमारी क्या है, गैस जो होती है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड मास भी होता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये सारे मैटर होंगे एंड एक्सेट्रा। ओके चलिए सो देखते हैं यहाँ पर जैसे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि लाइट हो गया हमारा, एंड लाइट हो गई, इसके बाद लव हो गया, हैट हो गया, फीलिंग आ गई, फीलिंग। तो ये क्या हमारे मैटर, ये हमारे क्या मैटर होंगे। सो देखते हैं यहाँ पर जैसे लाइट है, देखते हैं हमारे लाइट जो होती है, तो लाइट जो होती है तो इसका कोई मास नहीं होता है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका ना मास नहीं होता है, तो कहने का मतलब है तो ये हमारी क्या होगी, मैटर नहीं होगी, राइट। इसी तरह से लव है जो लव हो जाता है, या हैट है, फीलिंग है, टेस्ट है, एक्सेट्रा, ये हमारे लाइट, ये हमारे क्या है, मैटर नहीं हो, क्योंकि इनमें क्या है ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ना ही इनका मास होता, राइट। तो ये हमारे देखिएगा डू नॉट मैटर। ओके तो ये हमारे क्या है, मैटर नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगला है कि जो मैटर होते हैं इनके कुछ करैक्टर्स होते हैं, देखते हैं यहां पर करैक्टर्स क्या क्या हमारे करैक्टर्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में देखते हैं यहां पर क्या क्या करैक्टर रखते हैं हमारे मैटर जो होते हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं यहां पर फर्स्ट करैक्टर में हमारा क्या आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव
पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फर्स्ट हमारा देखिएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन देम। सो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी मैटर होते हैं तो मैटर के पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कैसे होता है, तो जैसे मैंने देखिएगा वाटर लिया, किसी गिलास में हमने वाटर लिया, तो उसमें हमने शुगर को जब डालते हैं, शुगर के पार्टिकल को डालेंगे तो कुछ समय बाद देखिए शुगर डिजॉल्व होने के बाद तो वो पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, तो वो पार्टिकल शुगर में कहाँ चले जाते हैं, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, तो उन पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता तो वहीं पर शिफ्ट हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है, कोई भी मैटर होता है, तो मैटर में क्या होते हैं, स्पेस होता है, राइट। पार्टिकलों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो यहाँ ये है कि सॉलिड जो होगा, सॉलिड में जो जो सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच स्पेस कम होगा, लिक्विड होंगे तो उनके स्पेस, उनके बीच स्पेस ज्यादा होगा, गैसेस में सबसे अधिक होगा, राइट। तो पहला जो है करेक्टर्स कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कह रहा है कि पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता है, राइट। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव इन, राइट। कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, सॉरी जो मैटर होते हैं, तो मैटर के जो पार्टिकल हैं, कह रहे हैं मूविंग करते हैं। कैसे बता रहे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि हमने गैस लिया, जैसे कि जो हमारी हमारी अगरबत्ती होती है, तो अगरबत्ती को हम किसी रूम में एक कोने पर लगाते हैं, उस अगरबत्ती को तो देखते हैं, उस अगरबत्ती अगरबत्ती जो लगाते हैं तो हमारे पूरे कमरे पर उसकी क्या हो जाती है, स्मेलिंग फैल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगरबत्ती जो गैस निकल रही है वहाँ पर, जो जल रही है, तो गैस भी हमारी मैटर है। तो इससे पता चला है कि जो मैटर होती है, तो मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, मूविंग भी करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब जैसे कि वाटर होता है, तो वाटर हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो वाटर भी है क्या है, मैटर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैटर होते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, मैटर के मूविंग करते हैं, राइट। तो ये हमारे क्या है, इसकी प्रॉपर्टी। अगला है, सो देखिएगा इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, डिफ्यूजन एक आ जाता है। सो देखते हैं डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन, राइट। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द स्पॉन्टेनियस, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन भी हमारा पार्टिकल जो मूव करते हैं, ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है। सो देखिएगा कह रहा है कि द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, कह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के मैटर अगर लेते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा, तो वो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग हो जाती है, एक दूसरे में स्वतः ही मिल जाते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने वाटर लिया, तो वाटर में अगर हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल डालते हैं, तो डिजॉल्व होने पर, या हमने पार्ट जो वाटर लिया उसमें हम डालते हैं कोई इंक डाल देते हैं या कोई कलर डाल देते हैं, तो देखा होगा कलर जो होता है कुछ समय बाद पूरे वाटर में क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्स हो जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूज मतलब होता है अपने आप ही, जो सदा जो दो मैटर डिफरेंट टू मैटर लेते हैं उनके इंटरमिक्सिंग होना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, राइट। जैसे कि वाटर, अभी वाटर लिया था हमने किसी ड्रॉप में, वाटर लेते हैं ग्लास में, उसमें हमने कोई कलर डाल दिया, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि कलर जो हो जाता, सारा वाटर क्या हो जाता, कलर्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स होकर के डिफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो ये है हमारी क्या,
इसमें क्या नाम डिफ्यूजन। अगला है अगला देखिएगा, अच्छा यहां पर देखते हैं, यहां पर जो डिफ्यूजन है तो यहां पर फैक्टर क्या कौन कौन से किन किन के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से डिफ्यूजन जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो हमारा चेंज हो जाता है। सो देखते हैं यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। ओके सो देखते हैं यहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर टेम्परेचर, फर्स्ट जो है टेम्परेचर, राइट। सो देखिएगा टेम्परेचर का यहां डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि देखिएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन मीन्स क्या है कि दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर हैं वो हमारे क्या होते हैं स्पॉन्टेनियसली क्या होते हैं इंटरमिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक हो गया वाटर, वाटर हो गया मैटर, दूसरा हमने इसमें ले लिया अदर मैटर, जैसे कि हमने ले लिया कलर, कोई कलर इंक ले लिया। तो देखते हैं जब वाटर मिक्स करते तो सेल्फ में क्या हो जाता है इंटरमिक्स हो जाते, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा ये डिफ्यूजन जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है ये है हमारा टेम्परेचर। सो देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्या करते हैं इंक्रीज कर दें तो कह रहे हैं कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो फास्टली हो जाता है, मतलब डिफ्यूजन तेजी से होने लगता है। तेजी से कैसे? अच्छा देखिए जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो जो पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल फास्टली मूविंग करने लगेंगे, तो फास्टली मूविंग करेंगे तो वो फास्टली क्या होंगे इंटरमिक्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो देखिएगा अगला जो है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी। सो देखिएगा यहाँ पर डेंसिटी का क्या पड़ता है इफेक्ट, डेंसिटी अगर हमारी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करने पर, जिसकी डेंसिटी हाई हो या लो हो तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो देखिएगा द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, टू द स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो देखिएगा यहाँ पर डेंसिटी का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, देखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सो देखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को तो आर से डिनोट करते हैं, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन लगा है और किसके है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कोई भी मैटर होता है जिसकी डेंसिटी हाई होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा।
सो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं डेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी अगर हमारी मोर होगी, मोर देन होगी, हाई होगी, डेंसिटी हाई होने की वजह से उसका रेट, डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी अगर कम है तो हमारे डेंसिटी अगर लो है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। सो देखते हैं जैसे कि सॉलिड होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, तो जब सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है तो यहाँ पर जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल का जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है। तो देखते हैं सॉलिड जैसे कि है, तो सॉलिड की इसकी डेंसिटी हाई है, जब डेंसिटी हाई है तो इसमें जो हमारा जो डिफ्यूजन का रेट है वो स्लो है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूविंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है, तो इसी तरह से जो हमारे गैस होती हैं, गैस में हमारी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो जब गैस में डेंसिटी लो होनी है तो हम जानते हैं जब डेंसिटी लो होगी तो हमारा डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, फास्टली होगा। तो गैस क्या करती है, फास्टली डिफ्यूज होकर के फ्लो होती है, राइट। तो कहने का मतलब है कि डेंसिटी हमारी इफेक्ट, डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है हमारा किसका, डिफ्यूजन का। तो डेंसिटी इंक्रीज करने पर, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी डिक्रीज करेगी या कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाई होगा। और डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, लो होगा, स्लो होगा, राइट। तो देखिए ये डिपेंड करता है हमारी डेंसिटी पर। अगला है देखिएगा और किसका इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर। एक तीसरा जो फैक्टर है हमारा, ये भी हमारा क्या डालता है, अफेक्ट डालता है हमारा डिफ्यूजन पर। सो कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, राइट। सो कह रहा है कि देखिएगा द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर। सो कह रहा है कि प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है डिफ्यूजन पर। अगर प्रेशर में हाई करता हूं, जैसे कि देखा होगा प्रेशर हाई करने पर डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाता है, हाई होता है, राइट। कैसे देखिएगा, जो हमारा टायर होता है, जब टायर पंचर होता है तो देखते हैं जब उसकी हवा निकलती है तो प्रेशर हाई रहता है, और जब प्रेशर हाई रहता है तो गैस क्या होती है, बाहर भागती है, मतलब मूविंग करती है। गैस क्या करती है, मूविंग, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर जो डिफ्यूजन का रेट है वो क्या हो जाता है, फास्टली हो जाता है, रेट इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं हमारे किस पर, डिफ्यूजन पर, ओके। सो चलिएगा देखते हैं अगला है। अच्छा जी, मैटर जो होता है, मैटर की कुछ स्टेट्स होती हैं, मैटर कितने स्टेट्स में मिलता है। सो देखा होगा हम सराउंडिंग में देखते हैं, मैटर हमारा सॉलिड में देखने को मिलता है, जैसे कि चौक हो गई, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा है ना, चौक हो गई, टेबल हो गई, एंड शुगर हो गई, ये सारे क्या है, सॉलिड है। अगला है मैटर और किस में देखने को मिलता है, हमारा लिक्विड में देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, तो ये लिक्विड की फॉर्म में मैटर है, एंड ऑयल हो गया, एंड और भी अदर है ना। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे सॉलिड में देखने को मिलेगा मैटर, लिक्विड में देखने को मिलेगा, और किस में मिलेगा, और हम लोग देखते हैं गैसेस में। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, यहाँ पर देखिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, सो देख लीजिएगा, मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट, ओके। अच्छा, होती तो मैटर की फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ, लेकिन हम लोग तीन ही देखते हैं, तीन ही पढ़ेंगे यहाँ पर सिलेबस में। देखिएगा, पहली होती सॉलिड स्टेट में होगा मैटर, सेकंड हमारा लिक्विड स्टेट में होगा मैटर, एंड थर्ड नंबर है गैसेस स्टेट में। और हमारी दो और स्टेट्स होती हैं मैटर की, एक होती है प्लाज्मा फोर्थ स्टेज, एंड फिफ्थ होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर BEC। लेकिन हम लोग यहाँ पर थ्री टाइप्स के, यहाँ पर थ्री ही स्टेट्स पढ़ेंगे, राइट। सो देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर जो स्टेट्स है वो हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में होगा मैटर। सेकेंड नंबर है लिक्विड स्टेट में होगा मैटर, लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड है गैसियस में, हम अपने सराउंडिंग देखते हैं गैस, ओके। सो ये हमारी क्या है,
सो देखते हैं यहां पर सॉलिड, सॉलिड कैसे पहचानेंगे एंड क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो देखते हैं यहां पर प्रॉपर्टी, मैं यहां लेके दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो भी हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप या फिक्स शेप भी बोल सकते हैं, फिक्स शेप, डेफिनेट शेप या फिक्स। सो पहली प्रॉपर्टीज हमारी अगर सॉलिड होगी तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। अच्छा जैसे सॉलिड ये है तो देखिएगा इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकली दिख रहा है, सिलेंडर की है तो ये सॉलिड है सिलेंडर, शेप फिक्स है, क्या इसका चेंज हो सकता है? तो ये क्या है कि जो शेप होता है सॉलिड का वो फिक्स होता है एंड इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है फिक्स है, ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि जो सॉलिड होते हैं सॉलिड की वॉल्यूम एंड हमारा शेप जो है वो क्या रहता है फिक्स रहता है, ओके। चलिए तो देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, जो सेकंड प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल सॉलिड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब मजबूत होते हैं, सॉलिड मतलब क्या होते हैं हार्ड होते हैं, मजबूत रिजिड ओके एंड इनकंप्रेसिबल। जैसे ये चौक है तो ये सॉलिड है तो क्या इसको इनकंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेसिबल मतलब दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हैं ओके। तो ये इनकंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं, इनकंप्रेसिबल मतलब दबा नहीं सकते, तो ये क्या होती है इनकंप्रेसिबल होती है राइट। तो सॉलिड की एक हमारी प्रॉपर्टीज है राइट, और क्या क्या होते हैं सॉलिड की। सो देखिएगा जो भी सॉलिड होते हैं सॉलिड है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी सॉलिड है हाई डेंसिटी। अच्छा जो भी सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है हाई। अच्छा जानते हो क्यों होती है, क्योंकि जो भी सॉलिड होते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन पे अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, सॉलिड के पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, जब हाई होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं पास पास आते हैं, और जब पास पास आते हैं तो इनके क्या है सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है हाई हो जाती है राइट। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है कि सॉलिड के पास डेंसिटी क्या होती है। अगला है सो कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं इनकी जो डेंसिटी हाई होती है, तो भैया यहाँ पर सॉरी सॉलिड जो होते हैं जब डेंसिटी हाई होती है तो सॉलिड के में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है हाई होगा राइट। सो कह सकते हैं कि सॉलिड है हाई अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। सो सॉलिड जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं इन पार्टिकलों के बीच में जो यहाँ पर प्रेशर है सॉरी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो भी हमारा क्या होता है हाई होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो पास पास पार्टिकल आएंगे, और जब पास पास आएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी हाई होगी। तो कहने का मतलब ये है। अगला है देखिएगा सॉलिड डू नॉट मूव, यहां लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव, सॉलिड्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव। सो देखिएगा यहां पे कह रहा है कि जो पार्टिकल है सॉलिड के तो वो मूविंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है हाई लग रहा है, तो वो पास पास रहते हैं एंड डेंसिटी भी हाई है। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल क्या है मूविंग नहीं करते हैं राइट। तो ये हमारे क्या है प्रॉपर्टी। और देखिएगा और क्या क्या है
सो यहां पर देखिए, अगर डिफ्यूजन भी कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि सॉलिड डू नॉट डिफ्यूजन। जो सॉलिड होते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों? डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल क्या है, तो फ्लो नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। तो इस तरह से सॉलिड जो होते हैं ये डिफ्यूज नहीं करते, राइट। सो देखते हैं यहां पर अगली जो प्रॉपर्टीज है, अगला जो है मैटर की जो स्टेट्स है वो हमारे क्या है, लिक्विड स्टेट। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर सेकंड जो है लिक्विड मैटर की हमें जो स्टेट देखने को मिलती है वो क्या है, लिक्विड स्टेट। ओके, सो लिक्विड स्टेट में इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो लिक्विड होते हैं, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम but do not say fixed shape. So कह रहा है कि जो लिक्विड होते हैं इनके वॉल्यूम तो डेफिनेट होते हैं, बट इनके जो फिक्स शेप जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे देखिएगा वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स है, जितना लेंगे 500 ml या जो भी लेंगे 250 ml जो भी लेंगे उतना ही रहेगा वॉल्यूम। लेकिन क्या है कि उसका जो शेप है, एक किसी अदर कंटेनर में जिस कंटेनर में रखते हो उसी के शेप को क्या कर लेता है, अटेंड कर लेता है, राइट। तो कह रहा है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने गिलास में पानी लिया, तो ग्लास में जब वाटर लिया तो किस इसको हमने किसी अदर कंटेनर में जब रख दिया तो उसके उसका शेप गेन कर लिया। तो कहने का मतलब है कि शेप इसका फिक्स नहीं होता, राइट। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सेकंड नंबर है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। ये भी कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, बट Do not, liquids are incompressible, but do not rigid. कह कि जो लिक्विड होते हैं ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें दबा नहीं सकते हैं, बट क्या है, लेकिन ये रिजिड नहीं होते, मजबूत नहीं होते। पानी है मजबूत नहीं है, लेकिन सॉलिड जो होगा जैसे आयरन, आयरन रिजिड भी है, मजबूत है, इनकम्प्रेसिबल है, दबा भी नहीं सकते। तो कह रहा है कि जो लिक्विड होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें भी नहीं दबा सकते, बट रिजिड नहीं होते। लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, मतलब मजबूत नहीं होते, राइट। अगला देखिएगा और क्या क्या है। सो देखिएगा अगला जो है इसकी प्रॉपर्टी, लिक्विड कैन डिफ्यूज। जो लिक्विड है कह रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब है कि फ्लो हो सकता है, बिल्कुल सही बात। जो लिक्विड होते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर क्या करता है, डिफ्यूज हो जाता है, मतलब फ्लो हो जाता है अपने आप। और डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो डिफ्यूज एक दूसरे में क्या मूव करके मिक्स हो जाते हैं। दो मैटर डिफरेंट लेते हैं और दो मैटरों डिफरेंट मैटरों के उनके पार्टिकल क्या है, मूविंग करके इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, तो ये डिफ्यूजन होता है, राइट। तो कह रहा है कि जो लिक्विड होते हैं तो लिक्विड क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं, राइट। चलिएगा अगला है, अगला जो है इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर Force of attraction in liquid, intermolecular force of attraction are weak than solid. Okay, और ये कह रहा है कि जो हमारे लिक्विड होते हैं
लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपेयर में वीक होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा वाटर है, तो वाटर में क्या है कि अगर वाटर में जो है सॉलिड के कंपेयर में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो वीक होता है। सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं और जो हमारे लिक्विड होता है वो पार्टिकल क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक लग रहा है ना लिक्विड के बीच में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर देखा होगा फ्लो हो जाता है छोड़ देते, लेकिन ये सॉलिड है, ये फ्लो है, इसके पार्टिकल फ्लो नहीं हो रहे। तो कह रहा है कि जो हमारा लिक्विड होता है इनके लिक्विडों के पार्टिकलों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है वो हमारा कम होता है, लिक्विड का कम होता है एज देयर एज देन कंपेयर टू सॉलिड। सो कंपेयर में जो